आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स फॉर द फॉलोइंग इज। तो आपके पास NH3 है, PCl3 और BCl3 है, इनके बॉन्ड एंगल्स का ऑर्डर क्या होगा ये आपको बताना है। देखो NH3 की अगर हम बात करते हैं तो NH3 में N के साथ तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स एक लोन पे है, PCl3 के साथ भी यही सीन है, PCl के तीन बॉन्ड्स और एक लोन पे है, ठीक है। और अगर हम BCl3 की बात करते हैं तो BCl3 में तो सिंपली ट्राइंगल प्लेनर ज्योमेट्री बन रही है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, 120 डिग्री का एंगल है। लेकिन अगर हम इसमें बात करते हैं तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसमें भी sp3 है और इसमें भी sp3 है, क्योंकि इसके अंदर तीन सिग्मा बॉन्ड्स एक लोन पेयर है, इसमें भी तीन सिग्मा बॉन्ड्स एक लोन पेयर है। स्टेरिक नंबर क्या होता है हमारा, सिग्मा बॉन्ड्स प्लस द नंबर ऑफ लोन पेयर्स, तो दोनों में स्टेरिक नंबर चार आ रहा है, तो मतलब चार ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में, इसलिए sp3 है। एंड sp3 के लिए जो एंगल होता है वैसे तो 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होने की वजह से थोड़ा सा कम हो जाता है, 107.5 डिग्री के आसपास होता है। और इसका तो और भी कम हो जाता है क्योंकि फॉस्फोरस का साइज ज़्यादा है, तो साइज ज़्यादा होने की वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल है वो और फर्दर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका हुआ, BCl3 का, उसके बाद NH3 का और फिर PCl3 का। तो करेक्ट हमारा जो आंसर है वो गया ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।